योगी आदित्यनाथ का पकड़ा गया महाझूठ। 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। सरकारी डेटा ने ही खोल दी सारी पोल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 19 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें सीएम योगी ने सरकार की सफलताएं गिनाई। इस दौरान योगी ने फिर से झूठा दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से दंगे का कोई मामला सामने नहीं आया। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई भी उत्सव शांतिपूर्वक नहीं मनाया सकता था। आज मैं खुशी और गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले 4 सालों में सभी उत्सव और त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए गए हैं। यही नहीं, पिछले 4 सालों में राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यही दावा जनवरी 2019 में भी किया था, लेकिन सीएम योगी का महाझूठ पकड़ा गया। खुद उन्होंने कभी दंगे का जिक्र किया था और खुद बताया था कितने दंगे हुए। आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है, हम इसकी पूरी पोल खोलेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यूपी में कितने दंगे हुए? नेशनल क्राइम ब्यूरो NCRB के साल 2019 के डेटा के मुताबिक यूपी में एक साल में 5,714 दंगों के मामले सामने आए। महाराष्ट्र और बिहार के बाद दंगे के मामले में यूपी तीसरे स्थान पर रहा। साल 2018 में यूपी दंगे के 8,908 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर और साल 2017 में दंगों के 8,990 मामलों के साथ बिहार के बाद दूसरे स्थान पर रहा। लोकसभा में खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया था जवाब। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दिसंबर 2018 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि साल 2017 में सांप्रदायिक घटनाओं के मामलों में यूपी पहले स्थान पर रहा। 2014 से 16 के बाद राज्य में इस तरह के सबसे ज्यादा मामला सामने आए। 2018 की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर एक ही नजर डालें तो सीएम योगी का दावा है साफ तौर पर भ्रामक नजर आता है। जनवरी 2018 में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुए टकराव से तनाव बढ़ गया था। 3 दुकानें, 2 बसें और 1 कार आगजनी का शिकार हुई। 112 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इस तनाव ने एक शख्स की जान भी ले ली थी। योगी आदित्यनाथ ने खुद दंगों का जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 135 लोगों पर आजमगढ़ के बलियारीगंज इलाके में दंगा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में SP सांसद राकेश प्रताप सिंह के फरवरी 2020 में हुए CA आंदोलन से जुड़े एक सवाल का योगी ने लिखित जवाब दिया था। ये जवाब ही योगी के हालिया दावे को झूठा साबित करता है। उसमें योगी ने बताया था पिछले 6 महीने में दंगों में 21 लोगों की जाने गई। योगी ने कहा था पिछले 6 महीनों में राज्यों में दंगों विरोध प्रदर्शनों में 21 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों के पथराव से 400 पुलिसकर्मी घायल हुए, 61 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए। यूपी में शांतिपूर्ण त्योहारों का सच, ये दावा तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता क्योंकि त्योहारों के दौरान भी हिंसा की कई खबरें सामने आई। पीलीभीत में मार्च 2019 में होली के दौरान 2 समुदायों के बीच टकराव का मामला सामने आया। इस टकराव में एक शख्स की जान गई और 4 घायल हो गए थे। सितंबर 2018 में मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में भीड़ और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, इसमें कई लोग घायल भी हुए थे। डेक्कन हेराल्ड की खबर के मुताबिक पथराव कर रही हिंसक भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। मतलब साफ है, मीडिया रिपोर्ट्स और सरकार के ही आंकड़े साबित करते हैं कि यूपी आदित्यनाथ का दावा झूठा है। सीएम योगी ने फिर यही किया दावा। लखनऊ में PM मित्र पार्क के लॉन्च के दौरान संबोधन में सीएम योगी ने फिर से दावा किया कि राज्य में 2017 के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ। गैंगस्टर्स नेता मनीतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में 15 अप्रैल को पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई। इसके कुछ समय बाद ही सीएम योगी ने बयान दिया। हालांकि NCRB की 2021 की रिपोर्ट राज्य में दंगों के 5,302 रजिस्टर्ड मामले दर्शाती है।